वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साहिल के कारवां में। और भाई इस समय मैं हूँ ध्रुव तारा ऑटोमोटिव्स पर उरई में, और गाड़ी है आज अपने पास महिंद्रा बलेरो, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। बाकी वेरिएंट्स भाई अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आप सभी को। फ्रंट से देखने में आप लोग देख रहे हो काफ़ी ही अच्छी और बोल्ड लुक निकाल रही है गाड़ी, देखने में ओवरऑल काफ़ी प्यारी लग रही है। सामने से देख के कहीं ना कहीं आप लोगों को टॉप मॉडल वाला फील आ रहा होगा, जो ग्रिल वगैरह देख कर आप समझ सकते हैं। लेकिन भाई अगर मैं आपसे कहूं ये बिल्कुल बेस वेरिएंट है जो कि महिंद्रा बलेरो का आता है B4, तो आप क्या समझेंगे। बाकी साइड क्लाइडिंग वगैरह देख सकते हैं, जो भी भाई आप लोग इसको देसी जी वैगन कहते हैं। कहीं ना कहीं रगेड फील दिया गया है कार में, कुछ एसेसरीज इसमें इंस्टॉल की गई हैं जो भी आप लोगों को मैं अभी बताऊँगा थोड़ी देर से। शुरुआत करते हैं फ्रंट से, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं B4 मॉडल में भाई सबसे पहले तो इसके जो मेजर चेंजेस फ्रंट से किए गए हैं वो है इसकी फ्रंट ग्रिल, जो क्रोम वाली इसमें टॉप मॉडल वाली लगाई गई है, जिसमें ब्लेरो की बेजिंग वगैरह आती है कुछ इस तरह से। बात करें इसके हेडलाइट सेटअप की, तो कुछ इस तरह से टोटली हेलोजन बेस्ड पाते हैं टॉप एंड मॉडल तक ही आप। बाकी फ्रंट बम्पर भाई इसमें आप लोगों को मेटल का मिलता है, जो अदर किसी भी कार में नहीं आता है, काफ़ी अच्छी बात है ये। बाकी फॉग लैम्प की जगह पर यहाँ पर क्रोम वगैरह एसेसरीज के तौर पर लगाई गई है। फ्रंट फेंडर वगैरह देख सकते हैं आप यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। बाकी फ्रंट से ओवरऑल यही है। चलते हैं साइड लुक्स पे और देखते हैं साइड में क्या कुछ प्रोवाइड करती है कार। तो भाई साइड में सबसे पहले लुक्स वगैरह देख सकते हैं, उसमें एसेसरी लगने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने लगी है गाड़ी। बाकी आ जाते हैं इसके टायर साइज पे, तो इसमें आप लोगों को 15 इंचेस के नॉर्मल रिम्स के साथ टायर्स ऑफर किए गए हैं। हालांकि टॉप एंड मॉडल तक किसी में भी आप लोगों को एलॉयज नहीं मिलते हैं, नॉर्मल रिम्स ही आते हैं, आप लोग डीलरशिप के थ्रू इंस्टॉल करा सकते हैं। ऊपर से ये भाई इसके फेंडर्स वगैरह पे इंडिकेटर देख सकते हैं, और ये फेंडर के ऊपर भी क्लाइडिंग इसमें प्रोवाइड की गई है। साथ ही साथ जो इसके व्हील आर्चेस कुछ इस तरह से आते हैं शुरुआत से ही। और इसमें एक चीज़ भाई जो कंपनी फिटेड नहीं आती है, वो है इसके साइड फुट स्टेप जो कि इंस्टॉल किए गए हैं इसमें। डोर्स वगैरह पर भी ये क्लाइडिंग कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप। साइड लुक्स ओवरऑल ऐसी ही है। बाकी भाई यहाँ पर कोई पिलर सेलर्स वगैरह आप लोग ब्लैक आउट नहीं मिलते हैं, सब नॉर्मली मिलेंगे। फ्रंट में डिस्क और बैक में भाई ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए गए हैं। ये फ्यूल टैंक देख सकते हैं आप, यहाँ पे छोटा सा कैप दिया गया है जो कि 60 लीटर्स की फ्यूल कैपेसिटी के साथ आता है। बात करें रियर लुक्स की, तो रियर से कुछ इस तरह का लुक्स प्रोवाइड करती है कार। और साथ ही साथ आप यहाँ पर ध्रुव तारा देख सकते हैं, उरई में आ सकते हैं अगर आप लोगों को कोई भी महिंद्रा की कार परचेस करनी हो। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इनका, जो भी डिस्काउंट होगा तो आप चैनल के थ्रू ले सकते हैं, नाम बताकर जो भी चल रहा होगा कुछ एडिशनल आपको मिल ही जाएगा यहाँ पर। बाकी बात करें इसके रियर प्रोफाइल की, तो यहाँ पर आप लोग हाई माउंट स्टॉप लैंप देख सकते हैं, नॉर्मली छोटी सी प्रोवाइड की गई है। स्टेपनी वगैरह कुछ इस तरह से है, इसका स्टेपनी कवर अंदर रखा हुआ है, बाकी अदर्स जो इसके चारों टायर हैं इसमें कोई कवर वगैरह नहीं आता है। बात कर लें इसके भाई टेल लाइट्स वगैरह की, ये भी टोटली हेलोजन मिलेंगी, जो कि पहले आती थी वही सेम आ रही हैं। पीछे की साइड दो पार्किंग सेंसर्स देख सकते हैं, और ये फुट स्टेप यहाँ पर भी इंस्टॉल किया गया है अलग से, इसके भी चार्जेस भाई हैं। बाकी ऊपर साइड अगर आप बात कर लें, तो यहाँ पर आफ्टर मार्केट या कंपनी के थ्रू स्पॉयलर और रूफ रेल्स वगैरह इंस्टॉल करा सकते हैं, जिससे गाड़ी और भी ज़्यादा मस्कुलर और बोल्ट लुक निकालने लगती है, काफ़ी अच्छी एसयूवी वाली फील दे देती है। मिरर्स वगैरह नॉर्मली एडजस्टेबल मिलते हैं फिक्स। बाकी चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर क्या कुछ प्रोवाइड करती है कार। सो भाई कर लेते हैं इसको अनलॉक, और अनलॉक करने के बाद सबसे पहले आप डोर वगैरह देख सकते हैं इसके, जो भाई सदियों से चले आ रहे हैं वही मिलेंगे आप लोगों को। ग्रैब करने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। डैशबोर्ड वगैरह कुछ इस तरह से है। चलते हैं कार के अंदर, और अंदर आने के बाद सबसे पहले भाई सीट में एडजस्ट कर लूँ थोड़ा सा, यहाँ पर देख सकते हैं। और की आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, नॉर्मली की इसमें प्रोवाइड की गई है, कोई भी भाई फंक्शन वगैरह इसमें ऑन ऑफ पर नहीं मिलेगा। सेंटर लॉकिंग की से ऑपरेटेड मिल जाती है। बाकी कर लेते हैं कार को ऑन। ऑन करने के बाद मीटर वगैरह देख सकते हैं, फुली डिजिटल आप लोगों को इसमें मीटर मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो नॉर्मली मिलता है, कोई भी एडजस्टमेंट का फीचर इसमें नहीं है। कुछ इस तरह से दो एयरबैग्स प्रोवाइड किए गए हैं कार में। बाकी इसकी भाई मीटर कंसोल आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता है। फुली डिजिटल दिया गया है, और इसकी भाई रेड रेड जो लाइट ठीक ठाक लगती हैं देखने में। बाकी डैशबोर्ड की लुक्स वगैरह आप कुछ देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। सेंटर एसी वेंट्स की बात कर लें तो नॉर्मली मिलेंगे भाई, बाकी यहाँ पर कोई म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं आता है। एसी की बात करें मैनुअली मिलेगा, और ये चीज़ भाई काफ़ी अजीब सी लगी, देख सकते हैं आप एसी के लिए है ये,
हीटर वगैरह ऑन करने के लिए। बाकी यहाँ पर साइड एसी वेंट्स, ये कुछ डार्क क्रोम में फिनिश देख सकते हैं, सॉरी डार्क थीम पर ब्लैक दिया गया है। बाकी छोटा सा ग्लव बॉक्स मिलेगा इसमें। विंडोज वगैरह ऑपरेटेड करने के लिए भाई मैनुअली मिलेगा, कोई भी पावर वगैरह का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। नीचे की बात कर लें तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, फोन वगैरह रख सकते हैं। और ये चीज़ भाई सिर्फ दिखाने की है, कोई भी चार्जर वगैरह का पोर्ट यहाँ पर नहीं है, तो माफी चाहेंगे आपसे। बाकी बात कर लें गियर बॉक्स की, तो यहाँ पर 5 स्पीड के साथ आता है। पीछे 2 कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक, कुछ एडिशनल स्पेस, और भाई कुछ यहाँ पर भी स्पेस मिल जाएगी। बाकी ये आप सीट बेल्ट के देख सकते हैं, नॉर्मली है। इसमें भाई सीट कवर वगैरह इंस्टॉल कर रखे हैं, आगे के दोनों ही आप लोगों को हेडरेस्ट इसमें एडजस्टेबल मिल जाएंगे। बाकी ग्रैब हैंडल्स वगैरह फिक्स्ड मिलते हैं। बात करें ऊपर की, तो यहाँ पर नॉर्मली मिलेगा, कोई भी टिकट होल्डर वगैरह नहीं है। डे नाइट शिफ्ट, IRBM मैनुअली। बाकी बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है भाई, मिरर वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है। तो यही है, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडलाइट लेबलर और स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। बाकी चलते हैं पीछे और देखते हैं पीछे क्या कुछ प्रोवाइड करती है कार। इसको कर देते हैं बंद, आ जाते हैं पीछे। तो भाई रियर डोर को कर लेते हैं अनलॉक, और रियर डोर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से विंडो वगैरह कंट्रोल करने का ऑप्शन, ग्रैब करने के लिए इस तरह से दिया गया है। बाकी चलते हैं अंदर, भाई सीट पूरी ही पीछे हो रखी है, देख सकते हैं आप। स्पेस भाई थोड़ा सा कम है, तो मैं पहले सीट एडजस्ट कर लूँ अपने अकॉर्डिंग, उसके बाद चलते हैं पीछे। भाई सीट हो चुकी है एडजस्ट और आ जाते हैं कार के अंदर। मेरे फोन में एक्चुअली भाई वाइड एंगल कैमरा नहीं है, जिस वजह से थोड़ा शूट करने में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से आगे पीछे करना पड़ता है। बाकी आप डैशबोर्ड की लुक्स वगैरह देख सकते हैं, काफी अच्छी लग रही है। हालांकि काफी पहले से महिंद्रा इसको ऑफर कर रही है, लेकिन देखने में ओवरऑल काफी अच्छी लुक्स देता है। सीटिंग भाई काफी ऊंची है, बोनट वगैरह आप देख सकते हैं मिडल सीट से भी विजिबल हो रहा है। बाकी यही है आगे का लुक्स। बाकी बात करें पीछे की, तो भाई 3 पैसेंजर बड़ी इजीली इसमें ट्रेवल कर सकते हैं, काफी ही ज्यादा वाइड इसमें एरिया दिया गया है। और रियर पावर विंडो, सॉरी इसके कंट्रोल्स विंडोज के देख सकते हैं आप। एक चीज इसमें थोड़ी सी ऑड लगती है, वो है भाई इसके रियर हेडरेस्ट, जो कहीं ना कहीं कंपनी को दिए जाने चाहिए। अगर कोई भी भाई दुर्घटना या कुछ इंसिडेंट होता है, तो ये चीज थोड़ी सी ऑड है, आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ ज्यादा महंगी चीज नहीं है, 10-11 लाख खर्च करने के बाद ये चीज देना तो बनता है। बाकी बात करें यहाँ पर, तो भाई हम्प इसमें बिल्कुल भी ना के बराबर है। 3 पैसेंजर्स तो कंपनी क्लेम करती है, लोग तो चार चार पांच पांच बैठाए घूमते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, काफी अच्छा नी रूम भी देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि सीट थोड़ी ज्यादा ही आगे है, अगर आप थोड़ी पीछे भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बात करें अंडर थाई सपोर्ट की, काफी अच्छा दिया गया है, मच इनफ है। बाकी यहाँ पर एक केबल लैम्प देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से रूप वगैरह नॉर्मली है। बाकी आ जाते हैं पीछे और देखते हैं कितना क्या कार में रियर स्पेस प्रोवाइड करती है। 7 सीटर कैपेसिटी के साथ आती है कार। सो भाई इसको कर देते हैं रियर डोर को ऑन, और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मली कुछ इस तरह से दिया गया है, ग्रैब करने के लिए है सिर्फ। बाकी 2 पैसेंजर कैपेसिटी के साथ है ये, अगर आप 5 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हो तो ये सीट वगैरह फोल्ड करके आप बूट स्पेस की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये भाई रियर डोर का कवर दिया गया है यहाँ पर। सो यही है भाई पूरी ओवरऑल कार। और बात करें इसके भाई माइलेज और इंजन वगैरह की, तो माइलेज इसमें सबसे पहले तो इंजन बता दूं मैं आप लोगों को, इसमें आप लोग 1500 cc का डीजल इंजन प्रोवाइड करती है कार, जो कि भाई 3 सिलेंडर के साथ आता है। और बात करें इसके माइलेज वगैरह की, तो माइलेज सिटी 15 एबव और भाई हाईवे वगैरह 17 एबव का कंपनी क्लेम करती है। और ओवरऑल बात करें इसके प्राइजिंग वगैरह की, तो प्राइजिंग इसकी एक्स शोरूम आप लोगों को देखने के लिए मिलती है कुछ समथिंग समथिंग 9,80,000 रुपये। बाकी ऑन रोड की बात करें तो इसमें 11 लाख प्लस जाती है। और बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एडिशनल जानकारी कुछ भी चीज़ अगर भाई रह गई हो तो आप नीचे कमेंट वगैरह में पूछ सकते हैं। बाकी हाँ एसेसरीज इसमें जो भी आप देख रहे हैं, साइड क्लाइडिंग हुई, फुट रेस्ट हुए, आगे की ग्रिल वगैरह हुई, सारी ही चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। आप पॉज करके इसमें देख सकते हैं क्या कुछ इसमें, हालांकि पर्टिकुलर चीज़ की कोई रेट वगैरह नहीं डला हुआ है। ओवरऑल इसमें कुछ 30,000 लिखे हुए हैं, जो ओवरऑल सारी ही चीज़ों का इसमें दिया गया है कम्बाइंड करके, बल्कि 35 शायद उसमें है, 5,000 का डिस्काउंट है। तो यही है ओवरऑल। भाई कैसी लगी आप लोगों को गाड़ी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाड़ी पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, सो थैंक यू सो मच।